Hello student, now we discuss RNA, the second nucleic acid. तो RNA that is ribonucleic acid, ये ribonucleic acid है. राइबोन्यूक्लिक एसिड इट इज द जेनेटिक मैटेरियल इन रेट्रोवायरस. रेट्रोवायरस बोले तो दैट मीन्स एचआईवी वायरस और एड्स वायरस. अगर इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए इट इज नॉट कंसिडर एज अ जेनेटिक मटेरियल. इन प्रेजेंस ऑफ डीएनए इट नेवर कंसिडर एज जेनेटिक मटेरियल. मतलब अगर डीएनए है तो इसको जेनेटिक मटेरियल नहीं कह सकते. इट इज फाइंड इन इट्स अकर इन साइटोप्लाज्म. ये साइटोप्लाज्म में एग्जिस्ट करता है. इट्स अकर इन साइटोप्लाज्म. ये साइटोप्लाज्म में एग्जिस्ट करता है. अगर मैं इसकी बात करूं इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड. पॉली न्यूक्लियो टाइट चेन. ये सिंगल स्ट्रैंडेड पॉली न्यूक्लियो टाइट चेन यानी इसमें भी वही ट्रेंड होगा. आपका सुगर होगा, सुगर से जुड़ा हुआ बेस होगा, बेस से यहां पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा और ये कहानी एंड तक जाएगी. तो अब इसका अगर स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी करते हैं तो उसे देखते हैं कि इसमें जो सुगर होता है वो डी राइबोज होता है. उसमें डीएनए में था डीऑक्सीराइबोज, इसमें है डी राइबोज. क्या होता है भाई, सुगर के नाम पर डी राइबोस. ये पेंटोज है यानी OH. अब ये देखिए यहां ओ एच 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 ओ एच एच ओ एच और एच, ये सुगर है इसमें. ये पेंटोज सुगर है. इसको साफ सुथरा लिखना चाहते थे. अच्छा, नाइट्रोजनस बेस वही हेट्रोसाइक्लिक होता है. ये जो हेट्रोसाइक्लिक नेचर होता है इसका, ये दो प्रकार का होता है. क्या होता है भाई, एक होता है प्यूरी और एक होता है पाइरिमिडीन. अब देखिए प्यूरीन क्या होता है, ये एडिनिन और गुआनिन होता है. और पाइरिमिडीन क्या होता है भाई, ये आपका होता है. अब देखिए यहां पे थायमिन नहीं होगा, थायमिन की जगह पे होगा यूरेसिल और साइटोसिन होगा.
थर्ड आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा ही। अब ये देखिए, इसमें जो बॉन्डिंग होगी तो प्यूरीन जो है पाइरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, माने प्यूरीन बॉन्डेड विथ पाइरिमिडीन बाय ईच बॉन्ड, ईच बॉन्ड से वो बॉन्डेड होगा। जैसे ए जो होगा यू से बंधेगा बाय टू ईच बॉन्ड, एंड सी जो होगा बाय थ्री एच बॉन्ड, ये स्थिति बनेगी। वो दो एच बॉन्ड से बंधा रहेगा और ये कितने से, थ्री एच बॉन्ड से बंधा रहेगा। और अगर मैं आगे बढ़ू, यूरिन पाइरिमिडीन तो हो ही गया, कि जैसे मैं लिख दूं ए जी जी सी यू जी, अब मैं कहूंगा कि इसका आरएनए टैबलेट लिखिए, आरएनए टैबलेट, तो क्या होगा बताइए, ये ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, यू, फिर ये क्या है जी, तो सी, फिर जी सी सी जी यू ए सी जी ए यू, इस तरह से आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री कर सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए ए जी सी, इसका मेरे को टेम्पलेट चाहिए, अगर मैं इसको डीएनए पे लिखता हूं तो ए का होगा टी सी जी, अगर यही आरएनए पे लिखता तो एक जगह पे क्या हो जाता है, यू सी जी। ये देखिए ये अंतर है आपका, मतलब आरएनए में टी नहीं है, डीएनए में यू नहीं है, ये बात है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं कि आरएनए का टाइप, टाइप ऑफ आरएनए, तो आरएनए आर ऑफ थ्री टाइप, आरएनए के कितने टाइप होते हैं, थ्री टाइप ऑफ आरएनए। टाइप अगर देखें तो एक होगा एम आरएनए, एक होगा आर आरएनए, और एक होगा आपका टी आरएनए, यानी ऐसा। अब एम आर एन ए क्या होता है, इट फाइंड इन राइबोसोम एंड साइटोप्लाज्म, राइबोसोम एंड साइटोप्लाज्म, ये राइबोसोम और साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इट्स लाइफ साइकिल इज वेरी स्मॉल, वेरी शॉर्ट लाइफ साइकिल। अच्छा, इट ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। माने डीएनए से राइबोसोम तक ये मैसेज देता है कि आप प्रोटीन बनाइए, और वो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या रहता है, कौन सा प्रोटीन बनाना है, कब बनाना है, ये सब चीज। अच्छा, ये जो होता है इट इज फाइंड इन राइबोसोम्स। अच्छा, 75% ऑफ टोटल आरएनए का
कुल आरएनए का 75% यह होता है। तीसरी बात, इट मेन फंक्शन इज टू सिंथेसाइज द प्रोटीन, या इट मेनली परफॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, टीआरएनए इट इज फाइंड इन साइटोप्लाज्म, इट इज फाइंड इन साइटोप्लाज्म एंड इट एक्ट एज द कैरियर ऑफ एमिनो एसिड, इट एक्ट एज कैरियर ऑफ एमिनो एसिड विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। इट कंटेन एंटीकोडोन्स, इट कंटेन एंटीकोडोन विच बॉन्डेड विथ एमआरएनए बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, ये मैसेंजर आरएनए है, इसको हम राइबो सोमल आरएनए कहेंगे और इसको ट्रांसफर आरएनए कहेंगे, समझ गए क्या? तो ये तीन आरएनए का टाइप है। अब इसके अलावा अगर मैं इस न्यूक्लिक एसिड का एक टॉपिक बोलूं तो डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, दिस इज द सब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब आप ही बता दीजिए डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है। पहली बात है कि डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। अच्छा, डीएनए क्रोमोसोम या न्यूक्लियस में पाया जाता है, आरएनए मेनली साइटोप्लाज्म या राइबोसोम में पाया जाता है। उसमें जो प्यूरीन होता है वो तो सेम होता है, लेकिन आपका जो पायरिमिडीन होता है उसमें थायमिन होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है। उसमें सुगर जो होता है तो बीटा डी 2-deoxyribose होता है, और इसमें क्या होता है, बीटा डीऑक्सीराइबोज होता है। ये सारे डिफरेंसेस हैं, वो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल कम से कम डीएनए की प्रेजेंस में तो नहीं होता, और जेनेटिक मटेरियल वो हायर ऑर्गेनिज्म में सब में होता है, और ये केवल जेनेटिक मटेरियल जो होता है रिट्रोवायरस में होता है। तो इस प्रकार से डीएनए और आरएनए का डिफरेंस भी आप लोग बना लेंगे नोट्स में, तो इस चीज को बार बार रिवाइज कीजिए। न्यूक्लिक एसिड यहीं पे वाइंड अप करते हैं 12th सेक्शन के लिए, और अगला जो कॉमन वीडियोस होगा उसमें हम लोग एंजाइम के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।